to self. हेलो हाय शकुंतला देवी बोल रहे हैं? नहीं, मैं मिसेज शकुंतला देवी जी बोल रही हूँ। आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल भी अकल नहीं है कि बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। एक हमारा जमाना था जी। मिसेज शकुंतला देवी जी, वो एक्चुअली आपने पेपर में एड दिया हुआ है कि आप अपना 2 BHK रेंट पे देना चाहती हैं। सो आई एम इंटरेस्टेड इन योर एड रिगार्डिंग 2 BHK। तो फिर तुम एड में इंटरेस्टेड हो कि 2 BHK में इंटरेस्टेड हो? आई मीन जैसे 2 BHK में। फिर तुम ऐसा करो कि कल ना 20,000 रुपए ले आना और फ्लैट में शिफ्ट कर जाना, ठीक है? बट वो क्या है ना कि पहले मैं फ्लैट देखना चाहूंगी। क्यों भाई, तुम्हें कोई शक है क्या? ये 2 BHK ही है, ट्रस्ट मी। नो, एक्चुअली ना मुझे देखना है कि वो फ्लैट है कैसा, मतलब दिखने में कैसा है। वैसा ही दिखता है जैसा हर 2 BHK दिखता है। देखिए, अगर आप मुझे देखने नहीं देंगी फ्लैट को, तो फिर तो शायद मैं नहीं ले पाऊंगी रेंट पे। तो फिर तुम मुझे प्रॉमिस करो ना कि तुम अगर फ्लैट देखने आती हो तो ये फ्लैट किराए पे ले ही लोगी। देखिए, पसंद आता है तो यस ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल लूंगी। ऐसा क्या होना चाहिए कि तुमको फ्लैट पसंद आ जाए और तुम फ्लैट किराए पे ले लो? स्पेशियस होना चाहिए। अरे भाई, स्पेशियस किस लिए? तुमने कोई क्रिकेट खेलना है क्या फ्लैट में? अच्छा, बेडरूम में विंडो है क्या? हमें ना अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है, इसलिए हमने किसी भी बेडरूम में कोई विंडो नहीं लगा रखी। अच्छा, तो फिर आप रहने दीजिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या है ना, हर बेडरूम में विंडो है, और एक चीज भी है, हर बेडरूम में दरवाजा भी है। हाँ, ओ, दरवाजे भी हैं। वाओ, आई मस्ट से यू आर वेरी फनी। हाँ, अच्छा बेडरूम कितना बड़ा है? जो तो किचन है ना, वो बेडरूम से छोटी है, और जो बेडरूम है ना, वो किचन से बड़ा है। ओके, व्हाट अबाउट द लिविंग रूम? देखो बेटा, हमारे घर में एलियन तो रहते नहीं है, हर रूम लिविंग रूम है इस 2 BHK में। मेरा मतलब लिविंग रूम। हाँ हाँ बेटा, वो भी है तुम्हारा लिविंग रूम, मतलब कि मेन रूम। वो कितना बड़ा है? अच्छा, तुम ना एक काम करो, अपना जो लेफ्ट वाला हैंड है ना, उसको पूरा खोलो। खोल लिया जी। अब अपना राइट वाला हैंड पूरा खोलो। खोला जी। हाँ, अब तुम इसका 4 गुना लगा लो, इतना बड़ा है लिविंग रूम। एक चीज और पूछनी थी मुझे कि जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं वो मतलब अच्छे तो है ना, सेफ्टी होगी ना फ्लैट में? बेटा, तुम ऐसा करना, पुलिस को बुला लेना और पूछ लेना पड़ोसियों के बारे में। अब ऐसा है ना कि मैं अकेली तो हूँ नहीं इस धरती पे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। नहीं, आपको कुछ तो आइडिया होगा ना पड़ोसियों का? तुम्हारे सवालों को सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद तुम ही इन पड़ोसियों के लिए सेफ नहीं हो। अच्छा, वो कचरा, आई मीन कचरे वाले आते हैं सुबह उठाने के लिए? हाँ बेटा, आते हैं ना, कचरा उठाने भी आते हैं। लेकिन ना, तुम जब बाहर निकलो तो इतना ध्यान रखना कि तुम्हें कहीं कचरा समझ के उठा के ना ले जाएं। Enough, I'm not interested in your flat. ये तो और भी अच्छी बात है बेटा, वैसे भी कोई फ्लैट है ही नहीं रेंट के लिए। सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती थी, तो सोचा कि फ्लैट फॉर रेंट की एड ही दे देती हूँ। फोन आने लगेंगे तरह तरह के लोगों के, और मेरा मन लगा रहेगा बेटा। ये हैं मेरे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, और अगर आप इनको एंजॉय करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक वॉच एंड एंजॉय देम।